आपको बताऊंगी कि माता पिता के झगड़े में बच्चों का क्या हाल होता है। हर संडे के दिन मैं यहाँ अकेली अकेली उन दिनों को याद करती हूँ जिन दिन हम खुश थे। मम्मी पापा और मैं हर सैटरडे को मॉल में जाते थे, बहुत बहुत शॉपिंग भी करते थे और उसके बाद बाहर से नाश्ता भी खाते थे। बहुत मजा आता था। और उसके दूसरे दिन संडे दिन तो और भी मजा आता था। मेरे पापा पहले तो पूरे घर की सफाई करते थे, फिर उसको बीच में छोड़ के खाना बनाते लगते, फिर उसको बीच में छोड़कर पुरानी किताब पढ़ने लगते और फिर उसको भी आधे में छोड़कर पुरानी फोटोज देखने लगते और पुरानी फोटोज देखते देखते सारा काम ही अधूरा रह जाता था। और एक संडे के दिन मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मेरे पापा ने मम्मी को कहा सारा घर चमका दूंगा, सब डेकोरेशंस मैं कर लूंगा। फिर ये कहकर वो तो है ना पहले पूरे घर की सफाई करने लगे। फिर उन्होंने अपने पूरे फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया, फिर उन्होंने बाकी की डेकोरेशंस करनी शुरू करी और फिर पता चला कि टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा है तो जाके सोफे पर बैठ गए और पूरा काम मम्मी को ही करना पड़ा। और आपको पता है मम्मी ने ना उन्हें कुछ भी नहीं कहा। फिर पार्टी तो बहुत अच्छी थी। फिर जब सारे लोग पार्टी से चले गए, मम्मी ने पापा को बोला कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जब कि मैं आपकी कोई पत्नी नहीं, यहाँ पर काम करने वाली नौकरानी हूँ, डॉक्टरानी। इससे पहले मेरे पापा कुछ बोलते, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला चल तू रूम के अंदर जा। तो फिर मैं मेरे रूम के दरवाजे पर बैठे बैठे सब सुनती रही और रोती रही। पता नहीं कब आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह हुई तो मुझे पता चला कि मम्मी और पापा ने अलग होने